सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मेरी तरह एकदम मज़े में। तो आज की वीडियो थोड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो टिल द एंड तक देखना। अगर नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसे कि एक मेरे कमेंट में एक क्वेश्चन आया था कि सेक्टर वार्डन का काम क्या होता है और उनकी कैप कैसी होती है, तो इस वीडियो उसी पर होने वाली है। तो अगर मैं उनका काम के बारे में बात करूँ, तो उनका काम दिल्ली सिविल लाइन की जितनी वॉलंटियर है उनको संभालना होता है। यानी कि अगर आपके जैसे सीनियर्स हैं कोई भी वार्डन से, आप किसी भी जगह रहते हो दिल्ली के किसी भी कोने में, तो हर एक डिवीज़न होता है हर एक जगह। तिलनगर का डिवीज़न हो गया, रजौरी का हो गया, या उत्तम नगर का हो गया, या शाहदरा का हो गया, किसी भी जगह डिवीज़न होता है। और डिवीज़न का नंबर होता है एक पर्टिकुलर, जैसे 132, 237, हर जगह अलग होगा। तो उस जो डिवीज़न नंबर है तो वहाँ के सीनियर्स होते हैं, वार्डन होते हैं। तो जैसे सेक्टर वार्डन है, पोस्ट वार्डन है, डिप्टी डिवीज़न वार्डन है, एडिशनल डिवीज़न वार्डन है, तो ऐसे कई होते हैं। और जैसे कि जैसे दिल्ली सिविल लाइन से एक नॉर्मल पहला लेवल होता है वॉलंटियर का, जो कि वार्डन में ही आता है। वो भी जैसे जैसे फिर हम काम करते हैं कई साल हो जाते हैं, उसके बाद हमें प्रमोशन होता है। जैसे कि सेक्टर वार्डन, सेक्टर वार्डन में तीन स्ट्राइप्स होते हैं, पहले बता चुका हूँ मैं। पोस्ट वार्डन में फिर दो स्टार लगते हैं। तो जो पोस्ट वार्डन, जैसे कि मेरे को किसी ने पूछा था पोस्ट वार्डन में क्या काम होता है, तो उसमें क्या होता है कि उनकी एक नीचे टीम होती है। जैसे कि अगर सेक्टर वार्डन है उसके 60-70 लोग होंगे, उसके नीचे दिल्ली सिविल डिफेंस के वॉलंटियर के। अगर पोस्ट वार्डन है तो उसमें 100, 150, 200, 300 लोग भी हो सकते हैं उनके नीचे अंडर में। तो जब भी कोई दिक्कत आती है, आपदा आती है, जैसे कि कहीं आग लग गई है या कहीं पे अर्थक्यूक आ गया, कुछ भी हो गया, इंसिडेंट हो गया, तो वो कॉल करके अपनी टीम को कंफर्म करेंगे, बताएंगे कि ऐसे ऐसी बात है, तो आप सारे मिलकर एक जगह पे इकट्ठा हो जाओ और यहाँ पे मिलो। तो ऐसे करके उनको बुलाया जाता है और उस प्रॉब्लम को सही किया जाता है। और यहाँ तक कि अगर कोई ड्यूटी आती है पीछे से, SDM ऑफिस यानी कि ICD जैसे हमारे होते हैं वो देते हैं, तो जैसे कहीं भी कोई भी ड्यूटी है, कंटेनमेंट की, चलान की कोई भी ड्यूटी है, तो वो उन तक पहले पहुंचता है, वार्डन से वार्डन तक पहुंचता है, और वो ऑर्डर उनको मिलता है, और वो आगे ऑर्डर अपने ग्रुप में शेयर करते हैं। जैसे कि 200 लोग हैं उनके डिवीज़न में, 200 लोग हैं उनके डिवीज़न के, तिलनगर में 200 व्यक्ति बंदे हैं जो DCD के हैं सिविल डिफेंस में, तो उन तक ये ग्रुप में ऑर्डर पहुँचेगा ड्यूटी का। और वो जब उन्हें पता चलेगा तो वो सीनियर उनको बताएंगे ऐसे ऐसे ड्यूटी है, तो मेरे को इतने बंदे चाहिए, तो वो बंदे लेके अपने ड्यूटी में एलोकेट कर देंगे उनको। तो ये काम होता है उनका ज़्यादातर अपने वार्डन्स का। और भी बथेरे काम होते हैं SDM में, फाइल्स के बथेरे होते हैं काम। तो ज़्यादातर तो मेन काम होता है उनका ये होता है कि जो उनकी टीम है उनको संभालना और उनकी जिम्मेवारी को ढंग से लेना। और अगर मैं कैप की बात करूँ तो सिविल डिफेंस की जो कैप है वो मैरून कलर की कैप होती है, जो कि थोड़ी सी अलग सी होती है। अगर मैं बात करूँ अपने पोस्ट वार्डन की, तो उसकी उनकी दूसरी होती है कैप, जैसे कि दिल्ली पुलिस वालों की होती है जो हाई लेवल पे होते हैं, जब उनके स्टार हैं तो वैसी कैप होती है, क्योंकि वार्डन है स्टार है तो उनकी कैप भी दूसरी होगी। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि दिल्ली सिविल डिफेंस की वॉलंटियर की स्टार्टिंग में कैप कैसी होती है, जब पोस्ट वार्डन पे पोजीशन पे बंदा जाता है तो उनकी कैप कैसे होती है। और अगर मैं सिख लोगों की बात करूँ, सिख होते हैं उनके यहाँ पे वो ऊपर लगता है जो कि उनकी पगड़ी में लगता है, और जो कैप होती है और कैप में वो ऑलरेडी लगा होता है, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कैप। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा जो मुझे आया था वीडियो में। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है गाइज, आप तो लाइक करो वीडियो को, शेयर करो, और मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में इससे और बेहतरीन कंटेंट के साथ। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।